हेलो पिला माने, वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज आम तुम दशम श्रेणी हिंदी सौरभ बही रु गद्य विभाग रु मधुर भाषण अध्ययन करिबा। पिला माने, आमे मधुर भाषण रो पार्ट वन एवं पार्ट टू ऑलरेडी पढ़ी सारी। आज आम मधुर भाषण रो पार्ट थ्री पढ़िबा। मु मधुर भाषण रो पार्ट वन एवं पार्ट टू रो लिंक टी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ऐड कर दोची। तमे माने जदि पार्ट वन एवं पार्ट टू क्लास टी करी ना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाए की चेक करी ना पिला माने। तो चलो आज हमें आरंभ करीबा। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। पिला माने सज्जन माने होची साधु। तो किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। कौनसी काम को करिबा पाई दया करी शब्दर प्रयोग करिबाटा शिष्टाचारर अंतर्भुक्त अटे। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है एवं काम सरिला परे धन्यवाद कहिबा मध्य नित्यांत आवश्यक अटे। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। तो पिला माने जो अपने से नीचे हैं, जी आम ठारू टिके छोट अटंती, छोट लोक अटंती, उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। निज ठारू छोट लोकों को स्वाभिमान को बाधा देला भली कथा कहिबा आदो उचित नुह। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। तो पिला माने निज ठारू कम स्थिति रे थिबा लोक मानकर स्वाभिमान रक्षा करिबा सज्जन रो प्रथम कर्तव्य अटे। तो पिला माने तम हिंदी सौरभ किताब रे ही अछि रहिंकर गोटे पद, से पदटा मु तमन को कहू छी, बहुत सुंदर पद। रहिमन देखी बड़ेन को लघुना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तामाने होची पिला माने, अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए, कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। तो यहाँ पर इसलिए रहीम ने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सुई की जरूरत होती है वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? नहीं, इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। इसलिए बच्चों, जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। यही दुनिया रे समस्तंकर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण अटे एवं आमर मध्य कर्तव्य अटे जे आमे समस्तंकु सम्मान देबा एवं काहाकु नीचा न भाबिबा। पिला माने आगुकु पढ़िबा। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी न कहने चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई चीज न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ बचने दरिद्रता ना आने देनी चाहिए। तो पिला माने इठी कहा जाए छे जे जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए। ता माने जेओ काम करूछ ताको प्रसन्नतार सहित करिबा उचित और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहने चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है एवं से संबंध रे कोनसे मंतव्य दबा ठीक नुहे जे जेउथरे जणा न जाओ कार्य दुखरे करा जाउची किंबा
एही कार्य करिवारे अन्य प्रति कृतज्ञता करा जाउछि। पिले माने एहसान माने होउछि कृतज्ञता। या तो कोई चीज ना दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। जदि कौनसी द्रव्य दबा को इच्छा नहीं दियो नहीं, किंतु जदि दब ताहेले ताको पूर्ण उदारतार सह एवं प्रसन्नतार सह देबा उचित। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता ना आने देनी चाहिए। अति कमरे जेउ कार्यरे उदारता रहिछि सेठारे वचनरे कृपणता करिबा विधेय नुह। पिलामाने वचने दरिद्रता माने होजि कथन में कमी। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध ना आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार। शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है? घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायेपन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। आपने यहाँ आने का ये मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध ना आनी चाहिए। जदि केते बेले अस्वीकार किंबा मना करिबा को पड़े सेथिरे अधिकार एवं अभिमानर गंध रहिबा उचित नुह। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार। अस्वीकार बाध्यता कारणरु ही हबा उचित। ताहा सिद्धांतर विवशता हेउ किंबा आर्थिक विवशता किंबा अस्वीकार हेउ। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। अस्वीकार किंबा विवशता शिष्टतार सहित होइपारे एवं अशिष्टतार सह मध्य होइपारे। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है? घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायेपन का भाव ना आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। प्रायः लोक अभद्रमीरे एहा कहि दियंती, जाओ कौनसी वस्तु एठाकु किपरि आसिला, तुमर किए देबाकु आसिथिले, घर लोकंकु देबाकु नाही, तुम पाइ केउठारु आसिबो। अस्वीकार करिबा बेळे जेउ कथा कुहा जाए सेथिरे अनात्मीय भाव आसिबा उचित नुहे। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। आपने यहाँ आने का ये मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। तो पिला माने आत्मीयता सह दुख प्रकाश करी मना करिबा ही शिष्टाचार। कहिबा उचित, मु भारी दुखित जे आपणंकु अस्वीकार करिबाकु पड़िला। आपण एठाकु आसी कष्ट कले किंतु मु आपणंक सेवा करि पारिली नहीं। पिला माने तमकु जति ए क्लास टी भल लागुछि
ताहले निश्चित रूपे लाइक करि दबो जदि चैनल ले नुआ छ सब्सक्राइब कर दबो आ फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करि दबो। आगो को एही भली भाबरे हमर चैप्टर वाइज पढ़ाबो एवं प्रैक्टिस पई बहुत क्वेश्चन मध्य दिया जिवो। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाप्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट ना होनी चाहिए किंतु वह नापी तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव ना रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। आमो को व्यवसाय संबंधी आईन और निजर कथाबार्ता रे किंचित भिन्नता रखिबा विधेय। व्यावसायिक भाषा कदापि असभ्य हेबा उचित नुहे, किंतु संक्षिप्त होई पारे। व्यक्तिगत कथाबार्ता रे आत्मीयतार अभाव रहिबा ठीक नुहे। भाषा को भल भाबरे बुझाई देबार प्रयास करिबा आमर कर्तव्य। केतेक लोक समस्तंक संगरे निज संपर्करे कथाबार्ता करंती, एहा खराब नुहे, किंतु कथा जेतिकि कहिबा दरकार जेतिकि निर्वाह करिबा संभव हेबो। पिला माने आज आमर मधुर भाषण चैप्टर टी कंप्लीट होई गला। तमे माने मन देखि पाठ पढ़िबो। आगो को आमे मधुर भाषण रो अनुसुलानी तार उत्तर डिस्कशन करिबा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।